आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 26 अक्टूबर को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला गया और इस मैच को देखने के लिए भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी पहुंची। पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर शोएब मलिक की पत्नी सानिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। सानिया भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच के दौरान स्टेडियम में नजर नहीं आई थी, लेकिन इस मैच को देखने के लिए शारजाह स्टेडियम जरूर पहुंची। शोएब मलिक ने इस मैच में पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान ने 135 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 87 रनों तक 5 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद शोएब मलिक और आसिफ अली ने जमकर टीम को जीत दिलाई। शोएब 20 गेंद पर 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे, वहीं आसिफ ने 12 गेंदों पर 27 रन ठोके और नॉट आउट लौटे। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाए थे। इस मैच में कोई भी कीवी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं बना पाया था। लो स्कोरिंग मैच में बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने शुरुआत में मैच में अपनी पकड़ बनाए रखी, लेकिन बीच में कुछ विकेट्स गिरने के बाद मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ गया। इसके बाद पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शोएब मलिक बल्लेबाजी करने उतरे। इमाद वसीम के आउट होने के बाद आसिफ अली और शोएब मलिक ने पाकिस्तान की पारी को संभाला और अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। पाकिस्तान ने 18.4 ओवर्स में मैच अपने नाम कर लिया, जिसमें शोएब मलिक ने 20 बॉल पर 2 चौके और 1 छक्का लगाकर 26 रन बनाए, तो वहीं आसिफ अली ने सिर्फ 12 गेंदों में 1 चौका और 3 छक्के लगाकर 27 रन बनाए। शोएब मलिक की शानदार पारी को देखने के लिए स्टेडियम में उनकी वाइफ सानिया मिर्जा भी मौजूद थी। स्टेडियम में बैठकर सानिया अपने बेटे को पापा की परफॉर्मेंस दिखाती नजर आई। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच मैच से पहले सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी और वो कुछ दिन तक सोशल मीडिया से दूर रहेंगी। पाकिस्तान ने पहले मैच में भारत को 10 विकेट से हराया था और दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया। इन दो जीत के साथ पाकिस्तान ने अपना सेमीफाइनल्स का रास्ता साफ कर लिया है। पाकिस्तान को बचे हुए तीन मैच अब स्कॉटलैंड, नामीबिया और साथ ही अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने हैं।